Assalamualaikum जी, this is me इफ्राज बिलाल। यार एक बात तो बताओ, लोगों की भिंडी का रंग इतना काला क्यों हो जाता है? अगर आप भिंडी से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो सर्च करो तो उसमें भी भिंडी का रंग काफी डार्क नजर आएगा, जबकि ये एक ऐसी सब्जी है दैट एक्चुअली डू नॉट रिक्वायर इनफ टाइम टू कुक। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जब तक उनका कलर फ्रेश ना हो, ना तो वो ताज़ा बनी हुई लगती हैं, ना ही उनको खाने का दिल करता है। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी लिटरली जो आपकी भिंडी ना तो काली होने देंगी और ना ही वो मशी रहेगी और बिल्कुल फ्रेश सी लगेगी। उससे पहले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस स्टेज में आपने क्या करना है कि आपको भिंडी चाहिए होगी थोड़ी से बड़े साइज में कटी हो, उसको बड़े साइज में क्यों काटना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। उसके बाद आपने उसको काट कर जाली के एक बास्केट में रख देना ताकि जो उसका सारा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए और भिंडी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब उसको ड्राई क्यों करना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और फिर आपने क्या करना है कि यू नीड टू टेक अ फ्राई पैन विथ प्लेंटी ऑफ ऑयल और उसके बाद आपने उस ऑयल को गर्म कर लेना है और उसके बाद भिंडी को उसमें फ्राई करना है। अब आपने यहाँ परेशान नहीं होना कि इतना ऑयल वेस्ट होगा, क्योंकि भिंडी जो है वो टेस्टलेस होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो आप इस ऑयल को अपने और खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑयल आपका वेस्ट नहीं होगा। अब काफ़ी लोग फ्राई करके ही भिंडी बनाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है लिड कवर करके और लो हीट पे भिंडी बनाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कैसे बनाते हैं और आपने फ्राई क्यों करना है भिंडी को। वो इसलिए करना है क्योंकि इस स्टेज पे आपकी भिंडी का जितना स्लाइम होता है वो निकल जाता है, उसकी वजह से आपकी भिंडी जो है मशी नहीं रहती, पल्पी नहीं होती और बड़ी खड़ी खड़ी सी रहती है। तो आपने वक्तन फवक्तन भिंडी को जो है वो हिलाते रहना है और तब तक हिलाना है जब तक कि आपको लगे कि उसमें किसी भी किस्म का स्लाइम मौजूद नहीं है, तब तक आपने उसको कुक करना है। तकरीबन आपकी इस स्टेज पर 80-90% भिंडी जो है वो कुक हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी भिंडी जो है फ्राई की हुई तैयार हो गई है और देखिए इसका स्टिल कलर कितना फ्रेश है, कितना ग्रीन है, और ये यहाँ पर 80-90% कुक हो चुकी है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे और उसमें इसकी मिक्सिंग करेंगे। मसाले के लिए सबसे पहले आपने प्याज डालना है। प्याज के जो कतले हैं थोड़े मोटे मोटे कटे होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और साथ में आपने टमाटर ले लेने हैं। सबसे पहले आपने पैन में ऑयल डालना है, ऑयल को गर्म करना है। ऑयल उसी में से चाहे डाल लें जो आपने पहले फ्राई के लिए यूज़ किया था। उसमें आपने प्याज़ों को बिल्कुल पिंक कलर का कर लेना है, गोल्डन नहीं करना। अगर तो आपके देसी प्याज होंगे तो वो पिंक से कलर के हो जाएंगे, ट्रांसलूसेंट भी जिसे कहते हैं। अगर आपका फार्मी प्याज है तो वो पिंक तो नहीं होगा, लेकिन वो मुरझा सा जाएगा। तो तब तक आपने वेट करना है। अच्छा, इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लेना है। जैसे ही आपको ज़ीरे की खुशबू आने लगे तो आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेना है। साथ ही लाकर आपने टमाटरों को भी इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने उसको हिलाते रहना है और थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा इस स्टेज पर, ताकि आपके जो टमाटर हैं वो खड़े खड़े ना रहें, थोड़े से वो भी मशी होना शुरू हो जाएं। जैसे ही आप देखें कि पानी ख़त्म होने लगा है और टमाटर उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जितने आप गलाना चाहते हैं और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो आप अपने मसालों को यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप भिंडी को इस मसाले के अंदर ही पका रहे हैं तो आपने यहाँ पर नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि नमक जो है, नमक की वजह से सब्ज़ी पानी छोड़ना शुरू कर देती है। अगेन जब भिंडी पानी छोड़ेगी, उसके अंदर पकेगी, तो फिर वो मशी सी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अव्वल तो आपने भिंडी को इसके अंदर पकाना ही नहीं है। सो इस स्टेज पर आपने लाल मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड करना है और हल्दी ऐड करनी है। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल भिंडी में नहीं करती, कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ और मैं इसके अलावा जो है हरी मिर्चों का आगे जाकर इस्तेमाल करूँगी।
इस स्टेज पे आपने भिंडी को मसाले में ऐड कर देना है और 2 से 3 मिनट कुक करना है। जब तक वो कुक होती है मैं आपको वो 5 चीज़ें बता देती हूँ जो आपने करनी है और जो नहीं करनी, जिससे आपकी भिंडी का कलर जो है वो ग्रीन रहेगा। सबसे पहले ये है कि भिंडी को खरीदते वक्त भिंडी बिल्कुल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। जो भिंडी पुरानी होती है वो ऑलरेडी डार्क कलर की हुई होती है। नंबर 2 ये है कि आपने भिंडी को कटिंग करने के बाद एक जालीदार बास्केट में रखना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ताकि उसके अंदर से सारा पानी जितना भी मॉइस्चर है वो ड्रेन आउट हो जाए, भिंडी आपकी बिल्कुल ड्राई हो, ताकि वो अपने ही पानी के अंदर बिल्कुल भी ना पके। इस वजह से आपने कोशिश करनी है उसके अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद ना हो। अगर तो आप भिंडी को उस मसाले में कुक कर रहे हैं तो आपने सॉल्ट बिल्कुल एंड पर डालना है। नंबर 3। नंबर 4 ये है कि आपने भिंडी को बड़े बड़े साइज में कट करना है, क्योंकि जो भिंडी छोटी होती है तो वो टमाटर का पानी जो है उसको बिल्कुल गला देता है, तो आपने भिंडी को बड़े पीसेस में रखना है। और नंबर 5 ये है कि आपने भिंडी को फ्राई करना है, ताकि फ्राई करने में ही जब आप उसको 80% कुक कर लेंगे खुले बर्तन में, तो आपको स्टीम में नहीं पकाना पड़ेगा। स्टीम में पकाने की वजह से जो उसका स्टीम है, जो भाप बनती है देगची के अंदर, वो सारे जो भिंडी में मॉइस्चर पैदा कर देती है, जिससे आपकी भिंडी जो है वो पल्पी सी हो जाएगी और उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। यहाँ हमारी भिंडी देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और देखें स्टिल इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है, और जबकि ये पकी हुई है, मतलब इसको मैंने टेस्ट करके भी देखा था कि बिल्कुल गली हुई है, और इसका रंग देखें अभी भी कितना फ्रेश है। यहाँ जी आपने गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर देना है, हरी मिर्चें बड़ी कटी हुई ऐड कर देनी है, और एंड पे लेमन स्क्वीज कर देना है। Now it's ready to eat.